सारी बाणा ने राम राम। कहानी बताऊंगा एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की। कहानी पसंद आओ सब्सक्राइब करियो कमेंट करियो। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करता। तो वह उनने एक दिन एक सांप खा गयो ब्राह्मणी ने। तो सांप लड़ गयो तो वह मर गई ब्राह्मणी। फिर ब्राह्मण ने सोचिया सांप ब्राह्मणी ने खा गयो तो वह ब्राह्मणी तो कोनी ठाई और वो सांप का गल हो लियो मारन खातर। नहीं बोले तन मैं मारूंगो तो वह सांप ने छोड़ी नहीं तो गल कौन छोड़ा यो भाई। वो जा जित भी जा उसका गल हो रहे हो भाई। कहीं बड़ा उत्तर लाठी ले खड़े हो दो रहे मारन खातर। तो वो ब्राह्मण ने सांप ने सोची नहीं तो गल कौन छोड़ा तेरी। वो जोटो बन गयो जोटो बन गया तो भी उसका गल ले रही हो गल कौन छोड़ी। जोटो बन गया तो भाई किसा किसान का खेत में लग गया काम करन। वो तो भी पहुँच गया उसने मारने में पहुँच गया। तो फिर उसने सोची जो सांप ने नहीं तो तेरी गल कौन छोड़ा अन तो किमन किम कहनी कहना ही पड़ेगा जित गल छोड़ा गो नहीं कौन छोड़ा। तो वो मानस को रूप कर लियो उसने रूप धारण कर लियो मानस को। और मानस को रूप धारण करके न न्यू बोले भाई न्यू बता तू मेरे गल क्यों हो रही हो है जिन्हें बोले तन मेरी बामणी मार दी हार तो तन मैं मारूंगा छोड़ू को नहीं। जिन्हें बोले भाई तू न्यू करें मेरी गल मत करे। अरे ये तो तेरी बामणी मरी है मरण तने भी से तने मगरमच्छ खा गो तेरी मौत मगरमच्छ का हाथ से। तो वो फिर एकदम हाँ जब उसने जाके दाग दूग दे अरे उसको क्रियाक्रम करे अरे तेरी मौत भी मगर मचकात से। तो फिर न्यूकन दी वो उसने तो भूल गयो कगल को नहीं हो अरे बामणी का ना और सहम सो गयो डर गयो नहीं मन में उसका भय बढ़ गयो। हाँ भाई मेरी मौत भी बता दी इसने ब्राह्मणी भी भाई मार दी खा ली और मेरी मौत का बारे में भी इसने बता दी। अरे इसने भेष भी बदल लिया कोई जोटो बना है कोई इंसान बना है कोई सांप बना है। तो वो भगवान हाँ डरस हो गए वो आके चुपचाप आके नर भाई ब्राह्मणी ने दाग दूग दियो क्रियाक्रम करके उसको उदास बैठे। तो गांव का आदमी ने सोची भाई वो ब्राह्मणी से उदास क्यों बैठे है मर गई ब्राह्मणी तो तेरी मर गई ले उदास तो उस कारण भी तो है फिर भी तो क्या मैं तो बोला चुपचाप चिंता में बैठे हो। नहीं बोले भाई न्यू कर तेरी ब्राह्म और तो तेरी हम के मदद करा पंडित जी कैसा तू मांग ले खा ले गम में तने सब दे देगा मांगण जिसका भी घर न जाग वो तन खाण ने दे देगो। और तेरी ब्राह्मणी गई मरे एक लोके पोवा खावगो नारे ये चिंता करे मतने। तो न्यू बोले भाई उन्होंने सोची बताए दे फिर उसने कि मेरा गल तो न्यू नहीं हुई भाई सांप खा के गए थे इसने मऊ सांप ने मारन खातर गयो तो वो जोटो बन गयो और फिर भी मैं उसका गल रहे तो वो इंसान बन गयो। और फिर मन नहीं बोले मगरमच्छ तुम रह गो तू तन मगरमच्छ खा गो। तो डर गयो तो डर रहे हो मन में न्यू भैंसो बढ़ गयो उसका। तो फिर मगरमच्छ भी उड़े आ जा हाँ मगरमच्छ भी उड़े आ जा। फिर उसने सोची उड़ा तो नदी नाला भी है भाई को मतलब नहर नूर होंगी नज़दीक उस गांव में जिस गांव में वो थो। अरे गांव ने छोड़ छाड़ के नर कोई मैं इसी जगह में जा जितना तो कोई नाल हो ना कोई नदी हो ना कोई नहर हो। तो वो राजस्थान में चले गए जित नज़दीक सिक्किम में ना थो सोच के न भाई जब पानी पुणी की तना होगा तो मगरमच्छ कितना आओगो टिब्बा में तो मगरमच्छ आओ को नहीं और मगरमच्छ ना आओगो तो तेरी मौत किस तरह आओगी तन खाओगो किस तरह। मैं सोच के नर वो राजस्थान में रहने लग गया। तो राजस्थान में थो एक राजा वो उसका बेटो थो एक। तो राजा ने बोले भाई ज्ञानी पंडित से पढ़े लिखे पंडित थो तो अरे तुन्यू कर मेरे कन रही जा मेरे बेटा ने पढ़ा दी राजा बोले। तो वो उसका बेटा ने खूब पढ़ावा है कई दिन तई उसने मतलब पूरा पढ़ा दियो वो उसको बेटो।
उसकी पूरी शिक्षा होगी। जिद वो राजा बहुत खुश हो उसके ऊपर देख के सुन न्यू कोई तरह तो बेटो हाँ बेटो पढ़ा दियो। अरे बोले पंडित जी तन मेरा बेटो इतना पढ़ायो है तो तनी मैं कितना कौन खिलाऊँ मैं दोहरा ही रखूँगा उड़े रही जा। जिदनी बोलियो ठीक से फिर नहीं बोलियो ना न्यू शिक्षा पूरी को नहीं हुआ है शिक्षा पूरी न्यू हुआ है सर आके शिष्य और गुरु एक साथ नावे ने जित शिक्षा पूरी हुआ से तो न्यू कर बेटा के साथ जा अरे ना किया तो फिर नहीं बोलियो कैसे दोनों बनाण बोले फिर उसका यह होगी मन में चिंता आके नहाण खातर तो दोनों साथ है आका साथ कित जाऊंगो पानी जाऊंगो कदी कित मगर मछ पा जा जिन्हें बोलियो अरे न्यू करो गंगा जी में ना कि आओ तो उनका चिंता होगी गंगा जी में नहाण जाऊंगो तो तुम मगर मछ पाऊंगा और के करूंगो मैं। तो वो राजा आगे बता दी फिर उसने आके मेरे साथ तो नहीं हुई थी और मेरे तो भविष्यवाणी हो रही है कि भाई मगरमच्छ खागो और गंगा जी मगरमच्छ पाऊंगा तो न्यू कर तू एक पिंजरों बनवा दे मेरे खातर है शिष्य खातर है ताकि हम पिंजरे में बड़की नर गंगा में नहा लेंगा हमने मगरमच्छ खाना सको। तो राजा ने के मुश्किल थी पिंजरों बनवा दियो और सैनिक खिंदा दिया उनके गल आगे जाओ भाई न पिंजरा में बैठा के नर गंगा जी में नुहा के ले आओ। तो लेकिन पिंजरा में बैठ के न और वह दोनों नदी में बैठा के पिंजरा में अरे बाँट दिया सैनिका ने पकड़ के न तो पिंजरा में ही खा गया मगरमच्छ ने दोनों मर गया दोनों ने मगरमच्छ खा गया। तो जिदा कह करो ओनी ने कोई नहीं टाल सका ओनी ओनगी ओनकी ओ है अरे कितनो टलदे जन्यू है ना कि या हुआ ओनी है वह होगी मुकी ओनी थी वह मगरमच्छ ने खाणू तो वो तो वो मगरमच्छ ने खाए बनू ही टलो हाँ गाम भी छोड़ दे उसने और दूसरे गाम में जाके रहने लग गयो फिर भी राजा को राजा का छोरन साथ लेके नर वो गयो गणिये सैनिक भी बार के खड़ा होया पिंजरों भी बनवायो लेकिन उसकी होनी थी मगरमच्छ नहीं खानो तो वो मगरमच्छ नहीं खायो हाँ ओनी ओण की वो है जिद्दा तो वो खायो। और ये इसी कहानी मारा सा एक काको सुब्बे वो बताया करे काका सुब्बे ने बताई है ये कहानी कि भाई इसी बताया करो हाँ उसने दई से शिक्षा को होनी पर भाई चिंता मत करो होनी ओण की हो चाहे चिंता कर ले ची मत कर ले क्या मैं कर ले या होनी ओण की होगी रहेगी हाँ भाई क्या हो जाए तो क्यों नहीं करो चिंता जो होनी है वो आवन ओके रहेगी राम करस हो राम करस हो सापन भी वह दसी पंडताणी सारी वाणा ने राम राम कहानी पसंद आई हो सब्सक्राइब करियो कमेंट।